प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोडा पहुंचे। यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया है। इन तीन खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर के दशकों तक बर्बादी देने में जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। वहीं मोदी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर 20 मोदी समेत सभी नेता जेल में होते, आपको नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार बनानी है या लोगों को भले के लिए सरकार बनानी है। रैली के जरिए मोदी ने चिनाब घाटी के तीन जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों को साधा। खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो यो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे